2 weeks have passed since the 500 and 1,000 rupee notes have been demonetized. Down to Earth had documented the changes in the first week, and we are here at Azadpur Mandi again to see how the second week has unfolded. इससे पहले मंडी में 25 गाड़ी आती थी पपीते की, लेकिन अब 5 गाड़ी पे ये काम सीमित रह गया है. उसके बाद ये हमारी जितनी लेबर खड़ी है ये सब बेचारी बेरोजगार हो गई है. इनको पहले मजदूरी करते थे, 2 गाड़ी मिलती थी, वो 200 रुपये कमाते थे, लेकिन अब 50 रुपये का भी काम नहीं है. ये हमारे नीचे काम करते हैं, पब्लिक खड़ी है. इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कारोबार ही ख़त्म हो गया है. 80% बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. ये मोदी जी का बहुत गलत फैसला है. कम से कम 15 दिन पहले 250 का रेट था, उसके बाद हुआ 8 दिन बाद 100 रुपये, और आज 60 रुपये दड़ी चल रहा है. हम क्या देखो, ये माल लगा पड़ा, देखो बिकता भी नहीं है. ये कब से पड़ा हुआ है? ये कल का पड़ा हुआ है. बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है जी. पहले भी डेली मिलते थे, अभी हफ्ते में मिला, ये बात है बस इतनी. हाँ, हफ्ते हफ्ते पेमेंट ना. अभी तो कोई फ़र्क ऐसा नहीं है, वही जो है एक चक्कर लग जाए, कभी बनी हो रहा कभी उबनी भी नहीं हो रहा. बस यही है कि जो हम चक्कर लेके जाते तो वही 1,500 को पकड़ाते, तो 1,500 को हम लेके करेंगे कहाँ लेके बैंक में डाल देते पड़ेंगे. ये समस्या सबसे बड़ी बात. काम में तो फर्क कुछ नहीं पड़ा जी, पैसा ही नहीं मिला हमको, खाना ही नहीं खाया 2 दिन तक. खुला ही पैसा नहीं दिया किसी ने भी. पिछला हफ्ता में तो काई ने दे भी दिया जी, हाँ दिल्ली तो. अब हफ्ता में तो काई ने दिया ही ना हम लोग पैसा ही. इसमें बहुत ही फर्क पड़ गया है. अब ये नई करेंसी आने से बिल्कुल काम जैसे थे वैसे ही शुरुआत हो गई है. कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी, कोई परेशानी नहीं है. हाँ छोटी मोटी पहले दिक्कत हुई थी, लेकिन अब सुधर गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया काम. कोई परेशानी नहीं आ रही ना ग्राहक को आ रही है, ना हमारे को लेने देने में आ रही है, ना कोई और आ रहा है. 2 हफ्तों में कम से कम 3 या 4 लाख रुपये का नुकसान है. जो माल सड़ा है, रास्ते में गाड़ी सड़ गई है, उनके लिए नोट न लेने के कारण गाड़ी वाले भी गाड़ी नहीं ला रहे जंगल से. It can be seen that as week 2 approaches, transactions in the market have become smoother. However, the market continues to remain in a state of lull. Sales have phenomenally dropped and the farmers continue to be the worst affected.